बेईमान, ये कोटेदार जेल जाएगा, कोटेदार जेल जाएगा, कोटेदार को आधी जेल भेजो। कोरोना वायरस की वजह से देश इस वक्त लॉकडाउन मोड में है। 24 मार्च को पीएम मोदी ने 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन के दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल राज्य सरकारें रख रही हैं। लेकिन इस महामारी में भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे यूपी के गोंडा में मुनाफाखोर दुकानदारों पर शासन का चाबुक चला था। अब यूपी के ही जौनपुर से खबर यह है कि खुद जिलाधिकारी ने घपलेबाज कोटेदार को जेल भेज दिया। दरअसल मामला जौनपुर के मड़ियाहू तहसील के पाली सुमेला गांव की है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह खुद गांव-गांव जाकर इस बात का जायजा ले रहे हैं कि लॉकडाउन में गांव में रहने वालों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। जिलाधिकारी जब पाली सुमेला गांव पहुंचे तो उन्हें ये शिकायत मिली कि कोटेदार रामलखन कनौजिया राशन देने में घपला कर रहा है। गांव के जब्बार ने बताया कि कोटेदार रामलखन कनौजिया द्वारा उन्हें 7 यूनिट पर 10 किलो चावल दिया गया। यूनिट का है, राशन कार्ड का है? ये रहा, पासबुक जैसे कार्ड होगा ना, जिससे पासबुक होता है, उस कार्ड पे बनवाए रहे। तुम्हें राशन कितना मिला? 10 किलो चावल दिए। हां, दोनों कहां था? गेहूं क्या? कौन सा दुकान पे बात करो? मरियाव तहसील लगेगी? हां, मरियाव तहसील। क्या मरियाव से बात कर? क्या नाम है आपका? जब्बार। और कौन सा गांव है? पाली सुमेला। मरियाव तहसील तहसील मरियाव। कब लाए राशन? इसके बाद जिलाधिकारी गांव में मौजूद दूसरे लोगों से उनका हाल जानने पहुंचे, जहां पर कई लोगों ने कोटेदार की शिकायत करते हुए बताया कि उन्हें यूनिट के हिसाब से कम राशन मिलता है। लोगों की शिकायत सुनने के बाद जिलाधिकारी का गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा कि ये कोटेदार तो जेल जाएगा। दिक्कत है साहब, खाना का पीना का हर चीज की तो अभी समय दिक्कत तो है ही है। न खेत बाने की यारी, खेत नहीं, ना एक पैसा नहीं है। राशन कार्ड कुछ ना, राशन कार्ड है। राशन कार्ड है? क्या यूनिट लिखी है ऊपर? 6 जने के लिखा हुआ, 10 किलो खाली चावल दिए रहे। ये भाई जेल जाएगा, ये कोटेदार जेल जाएगा। कल हो अभी बॉस को दाल चावल आटा मसाला बिस्किट, इन बच्चों को बिस्किट खिलाना, इस मोटे को बिस्किट खिलाना। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बेटी बेटी है। बिटिया है, थोड़ी सब्जी खिलाओ और लाओ चाहे और दो। ये पूरी सब्जी खाओ सब लोग, अच्छा, और ये बना के खाते रहना। सब वही ना ही भूखा रहे। और देंगे, और देंगे। राशन कार्ड भी है ना, तो कोटेदार जेल जाएगा, कोटेदार को आधी जेल भेजो। गांव वालों की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने मड़ियाहू एसडीएम को निर्देश देते हुए कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उसे जेल भेज दिया। वहीं लाइन बाजार थाना के पचोखर गांव के प्रधानपति और कोटेदार पहाड़ी यादव ने बैंक मित्र की मिलीभगत से मजदूरों का पैसा निकाल कर घपला किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिलाधिकारी के सामने कोटेदार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जिलाधिकारी ने इस घपलेबाज कोटेदार की एक न सुनी और इसे जेल भेज दिया। जिलाधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि गरीबों का शोषण करने वाला समाज और उनका दुश्मन है। बेईमान, हमें नहीं चाहिए। आपने 400 रुपए इसके खाते से निकाले और 400 रुपए अभी नहीं चाहिए, आपको जेल जाकर देना था। माफ करने के लिए बैठा ही नहीं हूँ मैं। आप गरीबों का जो शोषण करेगा वो समाज का दुश्मन है और मेरा दुश्मन। लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोर दुकानदारों और घपलेबाज कोटेदारों पर शासन कड़ी कार्रवाई कर रही है। चाहिए।
जमीन कितनी? ये रंजन वाला का पीछे तक है। गेहूँ बोया था? नहीं गेहूँ ना, लहसुन वाला बस हुए। लहसुन बोया था? हाँ। आज खाना क्या बना था? ये चटनी बहुत आलू खाया था। क्या है घर में इस समय तुम्हारे? चावल गेहूँ कोटे वाला लाए थे? हाँ ना, गेहूँ काटे गेहूँ काट काट के लिया। अच्छा, जो गेहूँ काटे शुरू का तो उसमें देते होंगे वो तुम्हें? कितना देते हैं? वह 10 किलो। 10 किलो कई चावल दिए। राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना, बाकी साहब कहाँ इतना दे रहा है राहुल? नहीं, कितनी यूनिट का है? 7 दिन है। तो 35 किलो मिलना चाहिए। 10 किलो 90 कार्ड दिए भाई। अच्छा, उसमें राशन कार्ड यूनिट कम लिखी है? सुनो, कार्ड लो, कार्ड लो, कार्ड ले आओ, कार्ड का दूर रहो, दूर दूर घर घर रहो, अभी साहब आते हैं, दूर दूर रहो, अपने घर पे जाओ। घर है भैया, जा रहा था कोई, आ रहा हूँ तुम्हारे घर भी आ रहा हूँ। अच्छा, परेशान ना होना, हम आए इसीलिए हैं। अपने घरों पर रहो, अपने घरों पर। अच्छा, राशन लाए थे आपकी बार? हाँ यार, 10 किलो चावल। 10 किलो चावल लाए? अच्छा, तुम्हें मालूम है कि 15 तारीख से कुछ बचेगा राशन? फिर बता नहीं, नहीं पता, नहीं पता, नहीं सर पता नहीं। पंद्रह तारीख से चावल बचेगा फ्री वाला? बिल्कुल फ्री। 15 तारीख 15 तारीख कौन 15 हुआ है? भाई तो 7 यूनिट का है, राशन कार्ड कहाँ है? नहीं, ये राशन कार्ड पासबुक जैसे कार्ड होगा ना, जैसे पासबुक होता है, मूस कार्ड ये बनवाए रहे। तुम्हें राशन कितना मिला? 10 किलो चावल खाली। 10 किलो चावल दिए? हाँ, दोनों इसका बयान निकालते हैं। क्या, कौन सा दुकान से बात कर रहा हूँ? मरियाओं तहसील लगेगी? हाँ, मरियाओं का तहसील। मरियाओं से बात कर रहा। क्या नाम है आपका? जब्बार। और कौन सा गांव है? 40 महिला। मरियाओं तहसील? हमारे तहसील मरियाओं। कब लाए राशन? दस किलो केवल चावल दिया? हाँ, 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 चाहे चावल लो, चाहे गेहूँ लो, हमारी गए थे। पाली में बैंकिंग लगे सामने। पाली कौन बैंक ना है? रोडे पे मैन रोड पे। कोटेदार से नंबर मिलो, कोटेदार से दुकान सुन लो। नहीं, नंबर है मोबाइल नंबर? नहीं सर, नंबर नहीं। एक पैकेट, एक पैकेट ले आओ। अच्छा, खाना है? पैकेट के लगे था उनके घर है। चलो, कितने लोग हो तुम लोग? एसडीएम, एसडीएम साहब 7 पैकेट दे दो। लाओ, डीएम साहब बात करेंगे। एक बच्चा आ गया है। चलो, 5 पैकेट दे रहे हैं। बहुत खाना लो, सबको खाना। चलो, दे रहे हैं खाना। लो, 7 लोग ले लो खाना। साहब को खाना ना बनाना। अच्छा, एसडीएम साहब आरो लाओ। एसडीएम साहब, हाँ सर, पूरी सब्जी सब खाना। अच्छा, सब्जी दे दो खाना को। अच्छा, ले लो बेटा, पकड़ लो, खूब खाना। और अभी तुमको दाल चावल भी दे रहा हूँ, बना के खाना। लौला है ना? हाँ, अभी व्हाट्सएप पे हम खाना बनता है। वही, बस इतना यूनिट है। कौन वही सा वही बहुत है, लो। दिया है इसमें बनाना, दाल चावल आटा, इसमें बिस्किट है, बच्चों को देना। अच्छा, जाओ और पैकेट मंगा लिए। सब गरीबी है बेचारे, क्या विधवा है। तुम्हारा घर कौन सा है? अच्छा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है साहब, खाना का पीना का हर चीज़ की। हाँ, तो अभी समय दिक्कत तो है ही है ना। खेत बारे की यारी? खेत नहीं ना, एक हिस्सा नहीं है। राशन कार्ड कुछ ना? राशन कार्ड भाई, राशन कार्ड है? हाँ। क्या यूनिट लिखी है ऊपर? 6 जने की लिखा हुआ, 10 किलो खाली चावल दिए रहे। ये भाई जेल जाएगा, ये कोटेदार जेल जाएगा। कर लो अभी बॉस को। अरे बताओ, मैं 11 परिवार 11 लोग लेके सब और ले आओ, छोट बड़ा लेके साहब 11-12 जने हैं। लो, 4 पैकेट और दे दो, बहुत है। 4 पैकेट ले। सब खाना अच्छा? सब्जी भी दे दो, खूब खाना। और पैकेट लाओ एक सूखा वाला, इसमें दाल चावल आटा, नमक,
सब है। अच्छा तुम इसको बना के खाना, इसमें बच्चों के लिए बस करा है। और योगी जी ने भेजा है, किसने भेजा जानो उनको? वो सबकी चिंता कर रहे हैं, उन्होंने कहा कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, खाओ पियो। और कोई है? ये वाला दो लोग हो? हाँ लाओ, दो दो पैकेट लाओ, लाओ दो पैकेट दो, लो लाओ ये पैकेट लाओ, थोड़ा दूर दूर खड़े हो, तुम और लो। इसमें दाल चावल आटा मसाला बिस्किट, इन बच्चों को बिस्किट खिलाना, इस मोटे को बिस्किट खिलाना। क्या नाम है तुम्हारा? बिटिया है, पूरी सब्जी खिलाओ और लाओ पैकेट। ये पूरी सब्जी खाओ सब लोग, अच्छा, और ये बना के खाते रहना, सब वही ना ही भूखा रहे। और देंगे, और देंगे राशन कार्ड भी है ना, कोटेदार जेल जाएगा, कोटेदार को आधी जेल भेजूंगा। मिले 15 के बाद सिर्फ साहब बताए मिलेगा ना, कहाँ पड़ता है? 15 तारीख से चावल बटेगा और वो जितनी यूनिट है एक यूनिट पे 5 किलो मिलेगा और फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा 4 दिन बाद। चलो ठीक है, डॉक्टर साहब कह दो, भगा देते सुनो, डॉक्टर साहब को बताओ इस कोटेदार को उठा करके हवाला तक डालो। जब देख लिया है सर, एक उसका रह गया, अरे तुम्हारा रह गया ये सब, एक घर उधर की हर बात, वो तो बहुत गरीब है भैया, क्या फोन करने लायक है? आ जाओ, कहां हो तुम? हो तुम्हारा घर कौन सा? हमारा वो पत्र है सर, ऑटो तुम ले ये है, और कौन सा है? चलो इसे भी ले लेना, दोनों घर यही में ना। तुम्हारा घर कौन सा? हमारा कोई बाल बच्चा ये है ना, अलग है सर। लास्ट का पैकेट देखो, एक घर और है, और पूरी सब्जी ले आना। 40 किलो मिला था, एक किलो ना मिला सर, नहीं कुछ दिए, कुछ दिए राशन नहीं दिए, क्या कहे कहा कि नाम कट गया है, गलत बात है। लो अपने तरफ से चलो राहुल ले लीजिए लो खाना जाके लो भाई, 3 सब्जी बूढ़ा कहाँ है, दो सब्जी लो बिटिया, खाएगी पूरी सब्जी, बिस्किट भी दिए है, बिस्किट उसमें है, योगी जी बेईमान अभी नहीं चाहिए, आपको जेल जाकर देना था, माफ करने के लिए बैठा ही नहीं हूं मैं। आप गरीबों का जो शोषण करेगा वो समाज का दुश्मन है और मेरा दुश्मन है, भेजाइए भाई आदर्श के लिए उसका हवाला तो जेल। एक मिनट जैसे साहब, एक मिनट इनसे बात करना ना।